हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे सुबह के 9:30 और आज का वेदर बहुत सही हो रखा है। कल रात को 2:30 बजे भी बारिश आई थी, मेरी नींद उड़ गई थी बीच में। आई थिंक सो सुबह भी आई है, देखिए पूरा गिल्ला गिल्ला है और यहाँ पे तो बहुत सही लग रहा है। पूरा स्मोक हो रखा है यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ तक था पूरा स्मोक, अब भी फटक से ऊपर चली गया है। तो आज का वेदर बहुत सही है, मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है। देखते हैं आज ज़्यादा बारिश तो नहीं आई, तो चलिए नीचे जाके देखते हैं, चाची से भी पूछते हैं आज सुबह बारिश आई थी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो गिल्ला गिल्ला लग रहा है मुझे। बट लेट्स सी। चाची सुबह भी बारिश आई थी? सिर्फ 2 बजे आई थी ना, वो 2:30 बजे आई थी। तो दादी यहाँ पे सुबह सुबह तंबाकू पी रही है और पप्पा का नाश्ता चालू है, तो मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ और फटाफट नाश्ता करता हूँ। गाय तो चली गई राउंड अप के लिए जंगल की ओर, बट बकरी अकेला एक ही है। तो अभी हम लोग बकरी लेने जा रहे हैं, हम लोग यहीं पे हमारे घर के पास चराएंगे। उसको पेट भरने लेके जा रहे, उसको भूख लगी रहेगी, खाएगा। आ जा चल गबरू। हमने इसका नाम गबरू रखा है, कल ही ऐसे रख दिया था तो अभी गबरू ही पड़ गया नाम। चल कान देखिए गाइस, इसका कितना बड़ा कान है, डर रहा है। चल। अरे अरे कैसा भाग रहा है रोटी के लिए। तो अभी ये एग्जैक्टली पता नहीं कितने महीने का है, बट चाचा कह रहे हैं कि 2-2.5-3 महीने का है। और अभी इसको हम लोग अच्छे से मस्त बड़ा करेंगे, बहुत कमज़ोर भी लग रहा है, तो खाएगा पिएगा मस्त रहेगा। देखिए अभी भी स्टील वो तन्नू के हाथ में देख रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है अभी भी तन्नू के पास खाना है। अरे भाई तेरे लिए इधर इतना पूरा खुला है, यहाँ पे खा ले घास फूस। खत्म हो गया। हाँ घास खा ले घास। अरे ओ शिट, मेरे पास आके मेरे पैर में सुसु कर दिया। वही मैं बोला यहाँ पे क्यों आ रहा है, हाँ क्या हुआ देखो, मेरे पैर में सुसु कर दिया तू। तो अभी इसको सूट हो चुका है और अभी अच्छे से खा रहा है। पहले 5-10 मिनट तो रुका हुआ था, खा रहा ही नहीं था। किधर है, आया है ऊपर है, किधर है चाची, मेरे को मारेगा तो मेरे को कुछ तो दो ना डंडी। पता चला मेरे को आके झापड़ मार दिया उसने। अच्छा पप्पा भी है, बंदर आ गए हैं यहाँ पे घर के पास, देखिए इधर है पप्पा बंदर, अभी इधर एक दिखा था। तो यहाँ पे ये लाइन के पीछे इधर नीचे को गए उन लोग, तो मैंने डंडी पकड़ी है ताकि मुझे ना मारे। बट कभी कभी ऐसा होता है इन लोग हमें भी मार देते, डरते नहीं इंसान को। तो चलिए यहाँ से उड़ी मार के जाके देखता हूँ। किधर है, पता चला मेरे को ही मार रहे उन लोग। वो अभी दिख रहे नहीं है बट यहाँ पे थे, यहाँ पे अंदर किधर उन लोग छुपे। ये देखिए पप्पा इधर बैठे थे बट पप्पा को दिखा ही नहीं बंदर। सो चलिए जाते वापस घर को, क्योंकि यहाँ पे मुझे बंदर तो दिख रहे नहीं है, जब आएंगे तब देख लेंगे। एक दिखा था मुझे बस, बट वो लोग भाग गए अभी डर के। तो गाइस देखिए यहाँ से बंदर भागा 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 भागा। हाँ देखा चले गया, वो भाग गया। तो वापस मैं आ चुका अपने बकरी के साथ, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये चर रहा है। एक्चुअली आज उसका फर्स्ट डे, तो उसको आदत नहीं है, ज़्यादा खा रहा नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा खा रहा है तो आदत लग ही जाएगी उसे। तो फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोग रेस्ट कर रहे हैं बैठे हुए अखरोट के झाड़ के नीचे, और बकरी भी हमारी चर रही है पीछे मस्त। यहाँ पे एकदम ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, क्योंकि हम लोग परफेक्ट झाड़ के नीचे बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। वैसे तो आज ज़्यादा धूप नहीं है बट फिर भी थोड़ा छाव में बैठे तो ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है आज। ओ शिट, ओए पुंगड़ा नहीं चल उधर चल। ये तो डायरेक्ट खेत में चले गया, पूरा खेत का खा रहा है। यहाँ पे इतना हरा भरा घास सब कुछ पड़ा है, यहाँ पे नहीं खा रहा, खेत में जा रहा है। जाओ जाओ यहाँ पे खाओ, यहाँ पे खाओ, छोड़ दे उसको वहाँ पे छोड़ दे, खा लेगा। अब सबसे पहले दादी को जूस चाहिए अनार का, तो वो दे देते हैं।
हेलो दादी, पी लो पूरा पी लो। तो आज पापा ने मेरी जगह ले ली है, बैठ के मस्त नेट यूज कर रहे हैं यहाँ पर। आप क्या कर रहे हो उधर, पूरा साफ? ये क्या है? इससे क्या होएगा फिर? अच्छा सिर्फ काट रहे, क्लियर कर रहे क्या? अच्छा अच्छा, तो आज घर के पीछे यहाँ पे सफाई चालू है। ये पूरा जो घास उगा है, जो हुआ है, उसको सब काट रहे। बाद में किधर क्या फेंक देंगे क्या? अच्छा इधर ही रहेगा। गाय लोग खाएंगे तो इसको जलाएंगे? अच्छा अच्छा, चाची अभी जस्ट एकदम फ्रेश फ्रेश खेत से मूली और टमाटर लेके आई है। तो आज मूली का साग बन रहा है? अच्छा सलाद, सलाद के लिए। तो कुछ टमाटर है जो सब्जी दाल में डालेंगे, और मूली भी लाया आज सलाद के लिए। तो आज सलाद में मूली है। तो इसका क्या साग बनाएंगे? क्या बनाएंगे इसका? सब्जी? अच्छा ये गाय के लिए। तो देखिए ये मूली का पत्ता है जो कि बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा, ये गाय के लिए हो जाएगा। तो इसको अभी फिलहाल हम लोग ने साइड में रखा है। अभी चाचा और मैं जा रहे पैठणी बाजार। जैसे कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बोला था, एक बकरी लिया है, क्या पता चाचा अभी आगे और लेंगे। तो और एक बकरी लेने जा रहे हैं। उसका रीज़न भी है कि जो बकरी एक सिंगल लिया है वो रह रहा नहीं है, बहुत रो रहा है, आवाज़ कर रहा है। तो उसको कोई साथीदार चाहिए, तो बस साथीदार लेने जा रहे हैं और एक। देखते आज तो मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा स्कूटी में बकरी को लेके आना, क्योंकि गाड़ी तो यहाँ पे है नहीं, बुकिंग करके तो ला नहीं सकते, ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो हम लोग उसको स्कूटी में ही लेके आएंगे, और घर का थोड़ा बहुत सामान भी है तो वो लेने जा रहे हैं। हमारा ट्रिप जस्ट स्टार्ट हुआ है और बारिश आना शुरू हो गई है। थोड़ा डर लग रहा है, बारिश आएगी और भीग जाएंगे। तो फिर मैंने आज जाड़ा कपड़ा पहना है, क्योंकि सुबह से थोड़ी ठंडी लग रही थी, तो सोचा कि जाड़ा पहन ले तो ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगी। बट यहाँ पे तो बारिश आ रही है, अगर बारिश आ गई और भीग गया तो ज़्यादा वजन भी लग जाएगा कपड़ा, और बीमार भी पड़ जाऊँगा। होप सो बारिश ना आए। फिलहाल तो अभी बूंदे गिर रहे, नहीं तो फिर आगे जाके रुक जाएंगे अगर ज़्यादा बारिश आएगी तो। ओ शिट, वो देखिए गाइस क्या दिखा हमें रोड पे अचानक से। क्या ये गिरगिट है क्या? शिट, गिरगिट था ये। मुझे दो तीन बार भी मिला है। एक बार तो मैं अकेला था, मेरी फट गई थी, जस्ट टर्न मार रहा था और टर्न में मिला था मुझे। बट आज थोड़ा दूर से मिला और अच्छे से कैप्चर करने भी मिल गया, बाकी का टाइम कैप्चर नहीं कर पा रहा था मैं। तो ये हमारा नीचे साइड का गांव है, जो कि हमारे घर के साइड से दिखता नहीं है क्योंकि पहाड़ आ जाता है बीच में। तो देखिए कितना अच्छा है। दादा के ज़माने में पहले हमारा भी घर ये साइड को था, बट बाद में दादा ने ऊपर साइड को ले लिया, मतलब हमारी ज़मीन थी वहाँ पे, तो वहीं पे घर बना दिया और फिर हम लोग ऊपर ही रहने लगे। मैं तो बचपन से यहाँ पे कभी आया नहीं हूँ, जो भी था मैं ऊपर ही था, बट मुझे पता है कि पहले यहाँ पे था हमारा घर, अगर वहाँ पे कहीं पे था ऊपर को। हम लोग यहाँ पे पैठणी में होलसेल मार्केट में पहुंच गए। यहाँ पे चाचा दुकान के लिए सामान ले रहे हैं, और दिक्कत हो गई है, जो बकरी चाचा ने कल देखा था वहाँ पे दो तीन थे, एक फाइनल एक ही था, वो भी बिक गया है। तो अभी देखते हैं दूसरी जगह कोई अच्छा मिलेंगे तो ले लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही जाना पड़ेगा बाकी का सामान लेकर। तो यहाँ पे पोपट हो चुका है, हमें बकरी तो मिली नहीं, तो बाकी का जो भी सामान था वो ले लिया है और अभी घर की ओर निकल रहे। बस चाचा का वेट कर रहा हूँ, चाचा दुकान में कुछ तो ले रहे हैं, फिर सीधा घर को निकल जाएंगे। आज घर आते आते पूरी रात हो गई और फाइनली वी आर बैक होम। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जाके फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना भूलना मत ताकि मेरा वीडियो आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।